Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ वाउचर क्लास की फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ. वाउचर क्लास क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल पूरा देखिए और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बाजू में आते बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. वाउचर क्लास हमें टेली ERP 9 में वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं, उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेली ERP 9 में वाउचर ऑटोमेटिक क्रिएट करा हुआ होता है. वाउचर किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स जिसमें हम सेल करते हैं उसको, सेल परचेस वगैरह जो भी करते हैं उसको हम परचेस वो होता है, मतलब उसको हम वाउचर कहते हैं. तो सबसे पहले मैं ये अपनी कंपनी खोल लेता हूँ और ये अकाउंट वाउचर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेल्स. मैंने यहाँ पर देखिए ये SGST CGST IGST और राउंड ऑफ मैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट में और ये ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक कैसे होगा तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो में जाना है और वाउचर टाइप में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अल्टर पर यहाँ पर जाना है. क्रिएट, अगर आप कोई न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं. मैं यहाँ पर एक अल्टर करके दिखा दूंगा. ये सेल्स का एक बना आपको बता देता हूँ. सेल्स मेथड ऑफ वाउचर नंबर, सबसे पहले मेथड ऑफ वाउचिंग नंबर, मतलब आप ये ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कर सकते हैं अपने हिसाब से. अगर जैसा आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिक आप करोगे तो 1 2 3 ऐसा आता रहेगा. इसके बाद हमें यहाँ पर मेल ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट ये अलाउ नरेशन इन वाउचर. अगर नरेशन आप यस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए. इनेबल डिफॉल्ट अलोकेशन, इसको आप यस रहने दीजिए और नीचे भी आप इसे यस कर दीजिए. तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर सेल्स अकाउंट लेकर यस देकर आपको यहाँ से नीचे आ जाना है. जैसे ही आप देखिए मैंने पहले जो ऑटो सेट किया था वो यहीं से किया था, SGST CGST IGST और राउंड ऑफ. इसके अलावा आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एज अ टोटल राउंडिंग, इसको एज अ डिफॉल्ट हो रही हूँ और यहाँ से इसे मैं यस करके सेव कर देता हूँ. और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर सेव होते ही आपकी प्रिंट बिल की प्रिंट निकल जाए तो आपको उसके लिए आप यहां से इसे यस कर सकते हैं. तो आप इसे यस करोगे तो जैसे ही आप बिल बनाओगे वैसे प्रिंट इसकी निकल जाएगी. डिफॉल्ट सेफ सेट इज पोस्ट, बिल के नीचे एक आपने देखा होगा दिस बिल इज जनरेटेड बाई कंप्यूटर, इसकी जगह आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर टैली डिजिटल क्लास लिख लेता हूँ. आप अगर अपनी कंपनी के जो भी लिखना चाहते हैं, थैंक्स फॉर विजिट, थैंक यू, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं. इसके बाद यहाँ पर है सेट अल्टर डिक्लेरेशन.
आप इसे यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये नए फीचर्स की बात करने वाला हूँ कि आप अगर समझ लो कि आपका दो ट्रांजैक्शन होता है, एक कच्चे में ट्रांजैक्शन होता है और एक पक्के में ट्रांजैक्शन होता है, टैक्स सेल्स विथ टैक्स एंड सेल्स विदाउट टैक्स। तो मैं यहाँ पर एक विदाउट टैक्स की, अगर आप विदाउट टैक्स की अलग एंट्री करना चाहते हैं, अलग डिटेल रखना चाहते हैं, तो ये सेल्स विदाउट टैक्स आपको लिख कर यहाँ पर आना है और यहाँ पर ऊपर एंड यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिख लेना है और एंटर एंटर दे के आपको यहाँ पर नीचे लिख लेना है। जैसे ही मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया था CGST, IGST और CGST, IGST और SGST और राउंड ऑफ, इसी तरह आप और भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर एंटर देकर मैं यहाँ इसे सेव कर लेता हूँ सेल्स टैक्सेबल। और इसके अलावा अगर आप दूसरा कुछ सेल्स विथआउट टैक्स ये अगर आप बना जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए सेल्स विदाउट टैक्स करके, आप अलग एक वाउचर बना सकते हैं सेल्स के अंदर ही सेल्स टैक्सेबल और सेल्स विदाउट टैक्स। तो मैं यहाँ पर सेल्स विदाउट टैक्स लिख कर इसको एंटर देता हूँ तो आपको यहाँ पर एंटर एंटर देकर सीधा सेल्स अकाउंट और एंटर एंटर देकर आपको CGST, SGST और IGST यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल से एक CGST, IGST और राउंड ऑफ में यहाँ पर ले लेता हूँ और एंटर दे देता हूँ। और ये आपको अगर और भी आप कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं सिंपल से एंटर एंटर दे के मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वाउचर क्लास, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हम देखते हैं कि ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ। मैं देखिए ये ट्रांसपोर्ट एक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अलग से आपके सामने मैंने ट्रांसफर एक्शन किया था। और अब हम देख लेते हैं सेल्स टैक्सेबल और सेल्स विदाउट टैक्स यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हमारा ये सेव हुआ या नहीं हुआ। F8 देकर हम यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेल्स टैक्सेबल और सेल्स विदाउट टैक्स। अगर आप टैक्सेबल एंट्री करना चाहते हैं तो सेल्स टैक्सेबल आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल। अगर अगर आप सेल्स विदाउट टैक्स की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको F8 और सेल्स विदाउट टैक्स आपको यहाँ पर जाकर आप एंटर करके आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा सेल्स विदाउट टैक्स ये आ गया। और हमने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया था CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ, ये आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। अगर आप ये डिस्काउंट का कॉलम आपको यहाँ पर एक साइड पर दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था टेली ERP 9 अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मैं अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप भी जान सको नई नई वीडियो।